तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। योगी सरकार जहां एक तरफ नामों को बदलने के लेकर ज्यादा चर्चाओं में रहती है, तो मैं योगी सरकार से एक बात कहना चाहूंगा, इस सड़क का भी कोई नामकरण कर दीजिए। अगर एक कराकत है तो इसका नाम गड्ढापुर कर दीजिए, लेकिन जो सड़क है कितना गड्ढा मुक्त है ये मैं आपको जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ। परेशानी होती भैया, आए दिन लोग एक एक आदमी गिरते रहते हैं, थोड़ी बारिश हो जाती है तो आदमी गिर जाता है, साइकिल लेके बाइक लेके गड्ढे में गिर जाता है। और राह जाने वाले जो है गिर पड़ जा रहे हैं, कितने लोगों का हाथ पैर टूट जा रहा है इसी में। कब से खराब है चचो लोग, यहाँ घटना हो जा रही है, गिर जाने 3 साल से गड्ढा तो है, आप सब देख ही रहे हैं। पब्लिक की बहुत दिक्कत परेशानी तो हो ही रही भाई आने जाने में वहाँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। अभी हम जौनपुर के किराकत के बाईपास पर हैं और आप देख सकते हैं ये जौनपुर किराकत का रोड है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी जो हालत है वो ख़राब है। मतलब यहाँ पे अगर कोई आता जाता, राहगीर आता जाता है, कहीं न कहीं दुर्घटना होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। योगी सरकार एक तरफ कहती है ये गड्ढा मुक्त सड़क होने का दावा करती है, लेकिन जो सड़क है कितना गड्ढा मुक्त है ये मैं आपको जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ। योगी सरकार जहाँ एक तरफ नामों को बदलने के लेकर ज्यादा चर्चाओं में रहती है, तो मैं योगी सरकार से एक बात कहना चाहूंगा, इस सड़क का भी कोई नामकरण कर दीजिए। अगर एक कराकत है तो इसका नाम गड्ढापुर कर दीजिए। हम यहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं, जो लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कब से रोड खराब है, आखिर इसकी मरम्मत अब तक क्यों नहीं हो पाई, क्या सांसद और विधायक जो माननीय होते हैं वो सड़क अभी तक क्यों नहीं बनवा पाए, कितने जो हादसे होते हैं, ये हादसे होने के यहाँ पे जो चांसेज हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? सुदामिन शर्मा। यहीं पर रहते हैं, यहीं के निवासी? हमारा, हम यहाँ के निवासी नहीं। हाँ, दुकान है आपका? दुकान हमारा अभी नहीं है, मैं किसी दुकान के पर मतलब कार्य करते हैं जी। तो आप ये सड़क तो कई वर्षों से देख रहे होंगे? जी बिल्कुल देख रहे हैं, 2-3 साल हो गया ऐसे ही खराब पड़ा हुआ है। बारिश में बिल्कुल ऐसे खराब रहता है। हादसे भी होते होंगे भाई, कोई गिर जा रहा है, कोई लड़ जा रहा है, गिरबे करेगा जो है। क्या सोचते हैं जहाँ एक तरफ सरकार गड्ढा मुक्त होने सड़कों का दावा करती है, क्या देखते हैं जमीनी हकीकत क्या है, क्या लगता है आपको? देख और पूछ लीजिए किसी से, और पूछिए यहाँ के रहने वालों से पूछ लीजिए, और गांव वाले हैं पूछिए, सबसे पूछ लीजिए। हम क्या भैया कब से खराब है? चचो लोग यहाँ घटना हो जा रही है, गिर जाने 3 साल से गड्ढा तो है, आप सब देख ही रहे हैं। पब्लिकों की बहुत दिक्कत परेशानी तो हो ही रही भाई आने जाने में वहाँ तक दिक्कत परेशानी चली रही है, ये समस्या पड़ी है 3 साल से, कोई नहीं आ रहा, न कोई देख रहा, सब ऐसे घींच के चल जा रहे हैं। हाँ, घींच के सब चल जाते हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चचा पब्लिक, कम से कम 500 पब्लिक यहाँ खड़ी थी। हाँ, हिल्ला में सब कुछ दिखा जाए, सब लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ तक पूरा नारी तक नहीं बना है, यहाँ सुल्तानपुर से पूरा बजम मारी में तक नारी नहीं बना अभी तक। और दूसरी बात क्या कि यहाँ कीचड़, पब्लिक की परेशानी हो रही है, कोई उधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, बहुत समस्या चल रही है। योगी सरकार ने अभी हाल ही में एक और निर्देश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जो रोड होते हैं गर्भवती महिलाओं को दिक्कत होता है, जो बीमार लोग होते हैं उनको दिक्कत होता है, उनको पड़ रहा है कि हमारा धंधा नहीं पड़ रहा है, अच्छा बिक्री नहीं पड़ रहा है, उनका किराया नहीं कर पा रहा है। हाँ, लियाकत जी हैं। हाँ, चलिए हम बातचीत करने की कोशिश। क्या अंकल जी क्या दिक्कत होती है? ये देखिए साहब, ये दिक्कत है कि सामने खड़ा होने की जगह नहीं है, पानी भरा हुआ है, गड्ढा इतना ज्यादा है, आज 2-3 साल से सड़क इसी तरह पड़ी हुई है कि बनने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। इस वजह से आपकी जो दुकानदारी उस पे भी फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। और राह जाने वाले जो है गिर पड़ जा रहे हैं, कितने लोगों का हाथ पैर टूट जा रहा है इसी में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या भैया क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये रोड जल्द से जल्द बनवाना पड़ेगा तभी समस्या हल होगी। ये बहुत दिक्कत हो जा रहा है, बारिश में अगर 2-4 दिन अगर लगातार बारिश अगर हो जाए तो समस्या, ये समस्या है, पता नहीं चलता गड्ढा कितना गहरा है। अच्छा, घर में पानी घुस जाता है? घर में पानी, दुकानों में हल जाता है, अभी तो पानी बहुत सूख गई है। अच्छा, आप टेम्पो चालक हैं भैया? हाँ भैया। तो कितनी समस्या होती है यहाँ पे? बहुत समस्या है,
बरसात होता है तो पूरा यहाँ तक पानी चले आते हैं, पूरा जो है बेचारे बच्चे लोग गिर जाते हैं, पूरा औरतें लोग पूरा बड़ी दिक्कत होता है, धंधा पानी नहीं हो पाता है। अच्छा, एकदम नहीं हो पाता है, बेरोजगारी की तरह बैठे रहते हैं दिन भर। आप देख सकते हैं जो यहाँ के बाजार वासी हैं किस तरह से इस रोड के खराब होने के कारण त्रस्त हैं, और अंकल जी का ये भी कहना है कि आप देख सकते हैं इनके दुकान के सामने इतना गंदगी है, सड़क खराब है कि लोग यहाँ पे ग्राहक भी आना पसंद नहीं करते, मतलब कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के बाजारवासियों को। बहुत परेशानी होती है भैया, आए दिन लोग एक एक आदमी गिरते रहते हैं, थोड़ी बारिश हो जाती है तो आदमी गिर जाता है, साइकिल लेके बाइक लेके गड्ढे में गिर जाता है। आप बताइए अंकल जी कितनी परेशानी होती है। अरे भाई बहुत परेशानी होती है, कहीं ऑटो की रास्ता टूट जा रहा है, कितना हम लोग गिर जा रहे हैं मोटरसाइकिल दो चक्का लेके, इतनी परेशानी हो रही है, हम ही लोग झेल रहे हैं भैया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बैठे हैं ऑफिस में, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं लड़का बच्चा सब लेके कपार सिर फूट जा रहा है गिर गिर गड्ढे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो बाजार वासी हैं किस तरह से त्रस्त हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, उनसे गुजारिश है कि सड़क को जल्द से जल्द बनवाइए, सिर्फ फाइलों से काम नहीं चलेगा, जो जमीनी हकीकत है। अगर आपके फाइलों में सड़क गड्ढा मुक्त हो जाती है तो एक बार जरा केराकत के बाईपास पे भी आकर एक बार देख लीजिएगा, बरसात में जो इसकी हालत है और बस से बदतर हो जाती है।